तो नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मेरा नाम है ऋत्विक शर्मा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी तक अयोध्या में कितना डेवलपमेंट हुआ है और मेन टॉपिक जो है हमारा मंदिर और मस्जिद का, उसके बारे में अपडेट देंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हमारी मंदिर से कि मंदिर में कहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे कि आप हमारे सामने ये देख सकते हैं, ये एक मस्जिद नहीं, एक मंदिर है। और ये मंदिर देख सकते हैं किस तरीके से नीचे से टूट गया है, आगे से सीढ़ियाँ टूट गई हैं और किस तरीके से इसका हाल अभी हो गया है। केवल यही नहीं है कि मस्जिदें ही टूट रही हैं, मंदिर भी काफ़ी टूट रहे हैं। दो तीन मंदिर तो गायब ही हो गई हैं, पर मस्जिद अभी तक एक भी नहीं गायब हुए हमारे अयोध्या में। तो आज की इस वीडियो में आपको यही अपडेट हम देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल मंदिर मस्जिद के साथ आपको हम ये भी बता दें कि इस एरिया का कॉमन कोड आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्किंग में है और किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है, बिल्कुल भी रुकावट नहीं आ रही है। बट हाँ, समस्या काफ़ी आ रही है लोगों के लिए समस्या इस कदर आ रही है कि अगर कोई गली से निकल रहा है तो उसको रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ पर तो सीवर पाइप के लिए लाइन्स खोद दी गई, तो बेचारे को वापस जाना पड़ रहा है। कार वाले घंटों फंसे रह जा रहे हैं, बाइक वाले थोड़ी देर में निकल जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा है यहाँ टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का। अभी आपके पैसे यहाँ पर काम नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर काम ही चल रहा है। तो अगर आप ये सोच के निकलते हैं कि मैं तो मस्त एसी में बैठ के जाऊँगा, कार लेके जाऊँगा, तो इतना जीना है एकदम बिल्कुल नहीं। आप कार से आने की मत सोचिएगा, बहुत गंदा फंस जाएंगे आप, आपको निकलने में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अपनी दूसरी मस्जिद की तरफ और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि दूसरी मस्जिद का भी यहाँ पर किस प्रकार से जो है सौंदर्यीकरण, जो भी कह सकते हैं इसको, तोड़ने के बाद तो सही से बनाया जाएगा ना, तो सौंदर्यीकरण बोलेंगे, गलत वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ लोग को इससे हेट बोल सकती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहीं पे वो मस्जिद थी और ये मस्जिद पूरी गायब हो चुकी है। ये देखिए, यही वो मस्जिद है, आगे का एरिया पूरा गायब हो चुका है यहाँ पर। और अभी अगर हम जिस पुलिया पर आपको बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ये रास्ता पूरा बंद होने वाला है, क्योंकि ये पुलिया ही पूरी तोड़ दी जाएगी। और अगर पुलिया टूटी तो रास्ता बंद होना निश्चित है, फिर आपको घूम के आना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि टैक्सी और बैटरी रिक्शा की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहा है। बैटरी रिक्शा यहाँ पर बहुत समस्या से निकल रहा है ना। और यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ जाम की, ट्रैफिक जाम की, तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अभी इस एरिया में थोड़ा सा वाइटनिंग हो चुका है, वैसे यहाँ पर नहीं लग रहा है, बट आगे के एरियाओं में बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइटनिंग हो चुकी है। और अभी अगर मैं और आगे चलूँगा तो आपको और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से रोड चौड़ीकरण हुई है। और ये देखें, जर्जर मकान पूरा गिरा दिया गया है यहाँ पर, पूरा ख़त्म कर दिया। कुछ पता नहीं किसका मकान है, कुछ नहीं, बट यहीं पे इस तरीके से चौड़ीकरण का प्रोसीजर चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और आगे चलेंगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कितनी चल रही हैं। तो अभी मार्केट में और आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको देखते हैं पूरा अपडेट देते देते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पर देख के और धूल खा के। मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मैं आपको अपडेट देता हूँ ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मुंह में इतनी धूल चली जाती है कि अगर मैं पानी पीऊँ ना तो किचिर पूरा किरकिराता है, इतनी धूल चली जाती है। अगर आपको इस बात से मैं बताऊँ तो आप इस बात से तो अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे धूल उड़ रही है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा अच्छे माध्यम से आपको यहाँ का अपडेट दिया कि धूल कितनी ज़्यादा जा रही है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मास्क और सनग्लासेस का प्रयोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने मुंह पे सनग्लासेस नहीं लगाए हैं तो आपकी आईब्रोज पे भाई साहब इतनी ब्राउन हो जाएगी कि जैसे लगेगा कि आपने कलर कराया है, कि यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है। और बाकी एरिया बाल तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा उसमें धूल भर जाती है। अगर आपने शैम्पू किया है, खास करके लड़कों के लिए, अगर आपने शैम्पू किया है और आप यहाँ पे अपना बाल नहीं सेट कराना चाहते नाहो के यहाँ जाके, तो कुछ नहीं, अयोध्या की मार्केट में आपको 5 मिनट से टहलना है, आपके बाल इतने स्ट्रेट और इतने टाइट हो जाएंगे कि आप उसको जिस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं। फालतू की बात को छोड़ते हुए मस्जिद नंबर 2 पे आते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ इस मस्जिद का इस प्रकार से हाल हुआ है। ये देखिए, पूरी बंद हो चुकी है, टूट चुकी है, क्योंकि ये टूट गई थी। अभी आप देख सकते हैं, हाँ, तो फिर आगे चलेंगे एक और मस्जिद, लेकिन अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको नाव के पास जाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो बस 5 मिनट का मेन मार्केट में आना है, गाड़ी की स्पीड को थोड़ा स्लो करना ताकि उसमें अच्छे से धूल वूल बैठ जाए, फिर आपके बाल आप चाहे से सेट कर सकते हो, एकदम 100% नेचुरल और कोई नुकसान नहीं करेगा। तो अभी और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की मार्केट का अपडेट। मस्जिद नंबर 3 भी आने वाली है और यहाँ का हाल कुछ मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से होने वाला है। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बगल में यहाँ पर मार्केट जो है रोड पर दिख रही हैं और ये एरिया काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट यहीं पर हुआ था, थोड़ा ज़्यादा वाइड और यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, लोग बहुत, इसलिए अगर यहाँ पे आए अंगूरी बाग एरिया है तो काफ़ी संभल के आना चाहिए आपको, आप ऐसे काफ़ी तेज़ी से मत आइएगा। और बस मेरे राइट हैंड साइड पे वो मस्जिद आने वाली है और वो बन भी रही है अभी, क्योंकि टूटने के बाद तो दोबारा गेट बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए, इसी मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, आगे पाइप लाइन्स रखी हुई हैं और ये बन भी रही है।
और ये NIC ऑफिस के ठीक सामने है। इसको पास से भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से बन रही है, किस प्रकार से टूट रही है। ये देखिए, तो ये देखिए इस मस्जिद का हाल कुछ इस तरीके से हो गया है कि इसका गेट दोबारा बनवाना पड़ रहा है। आगे छोटी सी मज़ार भी है, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे, और फिर आगे फ्लाईओवर बन रहा है, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और ये देखिए छोटी सी मज़ार है, ये तो पूरी टूटने वाली है, आप देख ही सकते हैं ये। तो अभी और आगे चलेंगे, यहाँ पर कुछ हाल दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।